आपने वैसे तो कई बड़े बड़े एयरशिप देखे होंगे जो हमको चौंकाने के लिए काफी हैं, पर 1931 से 36 के बीच जब प्लेन कम हुआ करते थे तो जर्मनी ने एक ऐसा एयरशिप बनाया था जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप था। इसका नाम था LZ-129 हिंडनबर्ग। पर ये आम एयरप्लेन की तरह नहीं उड़ता था, बल्कि इसके अंदर दो बड़े बड़े कंटेनर होते थे जो हाइड्रोजन गैस से भरे होते थे और जिनसे ये अपना वेट काउंटर करके उड़ता था। इस शिप का यूज उस समय की हाई सोसाइटी के लोगों द्वारा ट्रैवल करने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रैवल का कोई भी एयर का साधन नहीं था। हालांकि अपनी पहली ही जर्नी में हिंडनबर्ग का एक्सीडेंट हो गया था। 1937 में ये अपनी पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल वॉयज पर था, तब ये जर्मनी से न्यू जर्सी के लिए उड़ा, तो ट्रैवल तो सही रहा, पर पार्किंग के टाइम इसमें आग लग गई और इसकी वजह स्पार्क बताई गई और हाइड्रोजन गैस भरी होने के कारण आधे से भी कम मिनट में ये जल के खाक हो गया और टोटल 35 लोगों की मौत हो गई। इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।